हेलो दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और इस लिंक को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो जानना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, उत्तराखंड से आ रही है बहुत बड़ी खबर कि उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। देखिए, बीजेपी सरकार ने तीन वादे किए थे। पहला वादा था कि राम मंदिर का निर्माण, दूसरा वादा था धारा 370 कश्मीर से हटाने का और तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। उसके बाद अब और राज्य भी लाइन में आ गए हैं और धीरे धीरे करके हो सकता है पूरे देश में सारे राज्य इस लॉ को लागू कर दे। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो मामले होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्रिमिनल यानी जिसको हम फौजदारी बोलते हैं और दूसरे मामले होते हैं सिविल जिसको हम दीवानी मामले बोलते हैं। अगर हम क्रिमिनल मामलों की बात करें जिसमें हत्या, रेप, डकैती आदि आदि आते हैं, और अगर हम दीवानी मामलों की बात करें तो उसमें जमीन से संबंधित मामले हो गए, आपके शादी ब्याह फैमिली से रिलेटेड मामले हो गए, और दीवानी मामले जो होते हैं जिसमें जायदाद के मामले होते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी ने किया हुआ है या कोई मैरिज का मामला है या कोई रिलीजन से रिलेटेड कोई फैमिली मैटर है तो उसको हम दीवानी मामले बोलते हैं। और अगर हम बात करें यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड की तो वो तो पहले से ही देश में लागू है, तो इसीलिए ये जो नाम नया आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, यानी क्रिमिनल जो लॉ है वो पहले से ही हमारे वहाँ यूनिफॉर्म है। यानी अब उस तरह के अपराध कोई भी करता तो सबके लिए एक ही तरह का प्रोसीजर है, एक ही तरह की सजा होती है। लेकिन सिविल मामलों में, खासकर से जो फैमिली मामले हैं, फैमिली मामलों में भी खासकर से शादी, तलाक और जो संपत्ति का जो बंटवारा होता है वो मामले अलग अलग धर्म रीति रिवाज के हिसाब से डील किए जाते हैं। तो ये सब जो हैं इन मामलों को एक ही यूनिफॉर्म लॉ से देखा जाएगा, ऐसा उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके आने से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे कानून बने हुए हैं, बात नया कानून बनाने की नहीं है, बात है जो कानून बने हुए हैं उनको सही से लागू करने की, जो तारीख पे तारीख का सिस्टम है उसको कम करने की। और अगर बात करें कि इस जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए हैं उसकी कुछ पॉइंट्स की बात करें, वैसे तो बहुत डिटेल में बात हो जाएगी, कुछ सामान्य जानकारी की बात करें अगर हम, तो इसके तहत जैसे एक शादी करना तलाक की बात है, संपत्ति का बंटवारा एक ही नियम से होगा, तलाक के बाद मेंटेनेंस एक ही नियम से दिए जाएंगे, बच्चों को गोद लेने का एक ही तरीका होगा। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा की बात करें, द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ लीगल फ्रेमवर्क दैट वुड अप्लाई टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, रेस, सेक्स। द यूनिफॉर्म सिविल कोड विल कवर मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी। वैसे तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब से प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जो जिन परिस्थितियों में भारत आज़ाद हुआ था वो हिंदू मुस्लिम के जो कम्युनल राइट हो गए थे उसको देखते हुए उस चीज को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया था, और इसका प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 44 में पहले से दिया हुआ है कि भाई हम इसको लागू करेंगे। लेकिन परिस्थितियां आगे चलती रही और इसको किसी भी पार्टी ने इस तरह से छेड़ा नहीं, क्योंकि हो सकता है इससे कम्युनल राइट्स बढ़ जाए। देखते ही देखते चुनावी एजेंडा बना और ये उत्तराखंड में पहले लागू हो गया। अब इसमें कुछ बातें, जैसे मैरिज की बात है तो मैरिज को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि इससे जो होता है वो बहुविवाह प्रथा पर रोक लग सकती है। और सबसे बड़ा जो इसमें एक पॉइंट आया है वो लिव इन रिलेशनशिप में आया। अब लिव इन रिलेशनशिप के लिए बोल दिया है कि भैया ये भी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, और अगर रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो अलग अलग तरह के फाइन हैं, जिसमें 3 महीने की जेल, 6 महीने की जेल, 10,000 का जुर्माना, 25,000 का जुर्माना। और अगर रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये पकड़ लिया कि कोई लिव इन रिलेशन में है तो उसको वो नोटिस देगा, उसका जवाब देना होगा। और मजे की बात तो ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रह रहे तो उसको लिव इन को तोड़ने के लिए भी रजिस्ट्रार के वहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उसकी जांच करके उसका सर्टिफिकेट देंगे कि भाई आपकी लिव इन रिलेशनशिप टूट गई है।
तो दोस्तों ये जैसे पहले लिव इन चलता था, कोई 6 महीने रह लिया, 3 महीने रह लिया, अब टाटा बाय बाय हो गई, अब दूसरे के साथ रह लिया, तो इस बात पे थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है कि लिव इन में कोई भी रहेगा तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप किसी किराएदार को, जो लोग लिव इन में रहना चाहते हैं और उसको देना चाहते हैं कमरा, तो आपको उससे जो है रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आप लिव इन में हैं, आपका सर्टिफिकेट कहाँ है। अगर यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो इसी कोड में जो हमारे ट्राइबल है, करीब 3-4% जो ट्राइबल है हमारे उत्तराखंड में, उनको इससे अलग रखा गया, यानी वो अपने कस्टम्स को जारी रख सकते हैं। एक LGBTQ कैटेगरी होती है, उनको भी इससे अलग रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति बिना विल के डेथ हो जाती है तो उसके लिए उसकी जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म कर दिया गया है। HUF को अभी भी अलग रखा गया है। आपको जैसे पता है कि HUF का कानून, हालांकि केंद्र का कानून है, HUF के तहत बहुत सारे लोग अपना टैक्स बचाते हैं और वो जो टैक्स है वो सरकार का, मतलब जो कमाई उससे कम होती है, अगर टैक्स वो बचा लेते हैं, तो HUF का भी जो रूल है वो यूनिफॉर्म में आना चाहिए, हालांकि ये केंद्र सरकार का विषय है। तो इस तरह देखा जाए तो दोस्तों अगर वेलफेयर की बात करी जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें जो एक डाइवर्सिटी वाला जो फंडा था, जो हमारा देश है जिस पे शुरू से ही हमारा चला रहा डाइवर्सिटी विद इंटीग्रिटी और यूनिटी के बात वाला, तो वो चीज़ पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, यानी डाइवर्सिटी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि सबके लिए जब सब एक कानून हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो सब एक ही तरह के लोग हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, और अभी भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन सभी लोगों को शेयर जरूर करिए जो लोग जानना चाहते हैं कि न्यू यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।